हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मासिक जांच परीक्षा सेट वन का, भौतिकी यानी कि फिजिक्स का सॉल्यूशन क्लास 12th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको ये जो क्वेश्चन पेपर भेजा जिस स्टूडेंट ने, उसने क्वेश्चन पेपर काफ़ी बेकार डल भेजा है, फिर भी हमने इसके जितने सॉल्यूशंस बनाने थे बना दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन जो है इसमें आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ऐसा ही नहीं लिखा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो न्यूटन पर कूलम्ब, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऐसा ही यूनिट पूछता तो वोल्ट पर मीटर होता, एम इसके नीचे आता, वोल्ट पर मीटर, वी अपॉन एम होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होता, लेकिन इसमें भी करेक्ट जब होता जब इसके अपॉन में एम दिया होता, यानी बटे में एम दिया होता, ठीक है। अगर इसके वी अपॉन एम लिखा होता तो ये सही होता। क्लियर हुआ? तो इसका जो न्यूटन पर कूलम, इसका जो है इकाई है, ठीक है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस, एक जब एक समान क्षेत्र में रखा जाता है तो एक द्विध्रुव अनुभव करता है। तो द्विध्रुव पे क्या होता है कि जो बल है ना वो हो जाता है ज़ीरो, तो आघूर्ण बचता है उसके ऊपर, आघूर्ण वो महसूस करता है, यानी कि वो क्या करता है, आप इसमें जो है आघूर्ण मतलब टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क जो है वो आघूर्ण महसूस करता है, ठीक है। तो बल जो है इसमें नहीं आएगा, केवल आघूर्ण आएगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड वन अदर इज होलो, आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, विच विल हैव मोर चार्ज। सेम पोटेंशियल से चार्ज किए गए हैं, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, दोनों पे चार्ज जो है इक्वल आएगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो चार्ज किसी का ज़्यादा नहीं होगा। तो बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज, ठीक है, दोनों पर समान प्रभार होगा या आवेश होगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 और 4, ठीक है, आर पुट इन सीरीज, सीरीज में बने हुए हैं, और ये जैसे कि सीरीज ऐसे बनेगा, आपका कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है आपका 4 μF का लगा है एक, मान लो, ठीक है, और एक आपका लगा है 6 का, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, और नीचे 120 की जो है बैटरी लगी है, 120 वोल्ट की यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस तरह से आपका जो है बना हुआ है कैपेसिटर। और व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 के लिए पूछा है उसने, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आपको पता होता है कि C1 इंटू C2 अपॉन में C1 + C2 होता है, तो जब आप इसको निकालोगे तो C1 दिया हुआ है 6 × 4, C1 C2 C6 × 4, ठीक है, और नीचे 6 + 4, तो ये हो जाएगा 24/10, यानी 24/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.4 μF हो जाएगा, ठीक है, 2.4 μF। अब 2.4 μF है तो आप जानते हैं कि 2.4 μF को आप μF हटाओगे तो ×10⁻⁶ लग जाता है, ठीक है। आपको निकालना किस पे, 4 पे निकालना है, तो अपॉन में जो है इसका 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4। अच्छा, ये आप 2.4 μF जो है इसमें, और एक चीज़ आपको जो है बैटरी का भी बात हो रही है, तो बैटरी का भी आपको देखना पड़ेगा। तो बैटरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 120, तो 2.4 μF और उसके बाद में 120 वोल्ट की बैटरी जो है वो हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 24, 288 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, देखोगे आप मल्टीप्लाई करके, 288 के आसपास में मैंने कैलकुलेट जब किया था, मुझे ध्यान नहीं है। और आपको जो है ×10⁻⁶, ठीक है, और 4 के अक्रॉस निकालना, 4 × 10⁻⁶, ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, और 4 से जब इसको काटोगे 288 के आसपास जो आएगा तो ये आ जाएगा 72 वोल्ट। तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांचवे क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन है उसको बात करते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो, और दूसरा इसमें पूछा है, द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड द वर्क डन टू रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा डल है, तो इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया है। तो चलिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आंसर बताऊंगा इसमें। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बना देना है, इस टाइप का आपका डायपोल का जो है डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद में आपको जो जो पूछा गया है उसके हिसाब से जो है आंसर निकल जाएगा। तो जो नेट फोर्स निकालोगे तो वो आ जाएगा Q−QE = 0, यानी कि जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है।
क्योंकि जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। और दूसरा इसमें पूछा है वर्क डन इन डाइपोल या ऑन डाइपोल, तो वर्क डन इजकल्स टू 2 PE आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टाइप इसका। इसका हिंदी वर्जन ये है, आवेश माइनस के ऊपर कार्यरत बल है, और इस तरह से आप डायग्राम बना दोगे। उसके बाद में जो फोर्स निकालोगे, फोर्स आ जाएगा फोर्स इजकल्स टू जीरो। और सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें वर्क निकालना है आपको, तो वर्क का जो है फॉर्मूला आपको पता ही होता है, वर्क इजकल्स टू PE इंटू कोस फाई वन कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। और थीटा वन की 0 डिग्री है और थीटा टू की है आपको 180 डिग्री। जब आप निकालोगे तो कोस 180 डिग्री होता है माइनस वन, तो वन वन करके ये माइनस वन और वन कितना हो जाएगा प्लस कट वन, और ये हो जाएगा टू, तो 2 PE द वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया हिंदी मीडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन जो पूछा गया है। 2 पॉइंट चार्ज QA प्लस μC यानी म्यू इसका जो है कैपेसिटेंस है, और यहाँ पर दूसरा चार्ज जो है QB माइनस μC आर लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग टू चार्जेस। सेकंड है इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसको आपको बताना है, तो चलिए इसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बना देता हूँ। इसमें क्या है, आपको ए पोर्शन सही करना है। तो इसमें आपको एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ये डायग्राम बना देंगे। उसके बाद में आप सीधे सीधे E1 निकाल लेंगे, इसी तरह से E1 जो निकाला है इसी तरह से E2 भी निकालेंगे आप, ठीक है। और E1 और E2 में बता देंगे कि किसके अलोंग ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से E1 आ गया, फिर E2 आ जाएगा आपका, ये अलोंग OB, ये भी अलोंग OB, और जो है आपका फिर जो टोटल E निकलता है वो E1 प्लस E2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। सिंस जो है आपके पास फाइनली E बराबर जो वैल्यूज़ हैं वो कट पिट के 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम अलोंग OB आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर कूलम है, ये माइनस जब लग जाता है तो वो अपॉन में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं इसका देयरफोर में बी पार्ट भी जो हम करेंगे, तो ये इसका आंसर हो गया अलोंग OB। और बी पार्ट में टेस्ट चार्ज अमाउंट जो दे रखा है वो आपको प्लेस्ड करता है मिड में, ठीक है। तो मिड में जब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो F निकालना है, तो F इजकल्स टू QE हो जाएगा। E हमने निकाल दिया है और EQ हमारे पास पता है, तो हम निकालेंगे तो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। फोर्स की बात हो रही थी न्यूटन में आ जाएगा, चार्ज की बात हुई तो कूलंग में आ जाता। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सारा का सारा आंसर लिख दिया मैंने, अब आते हैं हम हिंदी वर्जन पे। इसके हिंदी वर्जन क्या बोल रहा है, तो ये रहा, चूँकि धनात्मक आवेश जो है QA तथा QB ऋणात्मक, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक आता, मध्य बिंदु O QA और QB दोनों के कारण बिंदु O से B की ओर जो है होगी, ठीक है। तो अतः मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, तो इस तरह का डायग्राम बना लेंगे, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव मान लेंगे। और इसके बाद E जैसे मैंने बताया था आपको ऊपर निकाल करके E1 EA निकाल लीजिए, EB निकाल लीजिए, टोटल का होता है E1 या E1 E2 निकाल लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सोल्यूशन अलग है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, और AB दिशा में ये होगा। इसमें डायग्राम में AB है तो AB दिशा में होगा। बी पॉइंट जो है इसमें पूछा गया लगने वाला बल निकालना है, तो लगने वाला बल जो है वो आ जाएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडी A एंड B कनेक्टेड टू ईच अदर बाई कंडक्टिंग वायर, वाट इज़ द रेशियो ऑफ, फर्स्ट आपको बताना है एक तो कि चार्ज ऑन द स्पेयर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ द 2 स्पेयर, सर्फेस एट द सर्फेस बोला है, ठीक है, किनारों के आसपास में, ठीक है, सतहों पे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पहले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में हम मान लेते हैं चार्जेस को, और यहाँ पर जो है इक्वेशन V1 और V2 की हम बना लेंगे। Q1 upon A हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4πE₀ हो जाएगा, यहाँ पे 1/4πE₀, और यहाँ पे Q2 upon A हो जाएगा। और टिल पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 इजकल्स टू V2 होता ही है, जानते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों समीकरण जो ऊपर हमने V1 और V2 को निकाला है उसको हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से आपका 4 ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या Q1 upon A और Q1 upon B। जब हम Q1 को एक तरफ ले लेंगे तो A upon B, यानी कि रेशो जो हो जाएगा A रेशो B जो है हम निकाल सकते थे, लेकिन अभी हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेयर 1 और 2 का। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 को निकालते हैं, तो सेम वही कंडीशन रहेगी, यहाँ पे भी E1 upon E2 हो जाएगा, जहाँ पे Q1 upon Q2 हो जाएगा, B square upon A square,
काट पीट के जब आप निकालोगे तो बी बाई ए यानी कि बी रेशो ए आपका जो है इसका जो है अनुपात आएगा। तो यहाँ पर ये है स्फीयर का अनुपात। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा पार्ट जो पूछा गया है कि सतहों पे, तो सतहों पे जो हो जाएगा आपका बी अपॉन ए सेम यही रहेगा, बस आपको चार्जेस को यहाँ पे क्योंकि आपको सिग्मा से डिनोट किया जाता है इन चीज़ों को, तो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू या सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी कर सकते हैं, ये सिग्मा ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडी ऑफ द स्पेयर। ठीक है, ये हो गया सेकंड का आंसर। इसी को हिंदी वर्जन में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है या हिंदी वर्जन में आपके लिए बनाया गया। क्रमशः क्यू वन और क्यू टू हैं क्योंकि इन गोलों पर आवेश जो हैं वो ये हैं, और उसी तरह से आपका फिर इक्वेशन बनेगी क्यू वन अपॉन क्यू टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी, और निम्नलिखित गोलों के पृष्ठ विद्युत के क्षेत्र क्रमशः निम्नलिखित हैं, तो इसमें आपको ई वन और ई टू जो है आपको दे देना है। सीधा सीधा हमारे पास पता होता है ई वन अपॉन ई टू निकालेंगे तो ई वन अपॉन ई टू इक्वल्स टू बी अपॉन ए, यानी कि जो है आपका रेशियो क्या आ गया, बी रेशियो ए ये आ गया। और आपको जो सिद्ध करना है यानी कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, म्यू वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल लेते हैं उसको। चाहे तो आप ये लाइन लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ये वाली, यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये आंसर जो है आपका जो रेशो पूछा है वो यहाँ तक है, तो यहाँ पर आपका आंसर उत्तर जो है कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद में भाग दो की बात करते हैं, ये अगर आगे सिद्ध करना वाला पूछता है तो आप ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप इसको कंप्लीट भी लिख सकते हो। उसके बाद में आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे, तो हम दूसरे पार्ट में सिग्मा वन और सिग्मा टू ले लेंगे, और सिग्मा वन सिग्मा टू में लिख करके हम देख लेंगे कि ए जो है वो बी से छोटा आता है, यानी कि सिग्मा वन जो है छोटा होगा सिग्मा टू से, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्थात कम वृत्ता त्रिज्या वाले भाग यानी नुकीले भाग का पृष्ठीय घनत्व अधिक वृत्ता त्रिज्या वाले भाग की तुलना में अधिक होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड लाइन कैन नॉट बी डिसकन्टिन्यूड वाई, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा है, ये पूरा का पूरा आप देख करके पॉज करना वीडियो को और लिख लेना। ठीक है, और इसी का सॉल्यूशन जो है हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे लिखा है, वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नौवा, नौवे क्वेश्चन की बात करें तो नौवे क्वेश्चन में पूछा गया स्फीयर एस वन ऑफ रेडियस आर वन इनक्लोज टू टोटल क्यू चार्ज है, और इफ़ देर इज़ अनोदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ एस टू रेडियस आर टू जो है ये ग्रेटर देन आर वन है, देयर इज़ नो एडिशनल चार्ज बिटवीन एस वन एंड एस टू, वाट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू से आपको निकालना है। तो ये रहा सोल्यूशन इसका, तो हम वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाई डी ई या फाई ई इजकल्स टू क्यू नेट अपॉन क्यू ई नोट फ्रॉम गिस, ये गॉस लॉ होता है, वी आर क्यू नेट जो है नेट चार्ज इनक्लोज बाई बॉडी है, और हैंस फॉर द सर्फेस एस वन क्यू नेट बराबर हो जाएगा थीटा, और फ्लक्स जो है ये आपका आ जाएगा ई वन इक्वल्स टू थीटा अपॉन ई नॉट, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बना दी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव ई नॉट अपॉन फाइव वन अपॉन वन, क्योंकि जब देखो इन दोनों को इक्वेट करोगे, देखो ये दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, जब अपॉन करोगे वन अपॉन वन आ जाएगा, यानी कि जो रेशो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, फ्लक्स का सरफेस का वन आ जाएगा। इसी तरह से इसका हिंदी मीडियम के लिए है, तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका दिया जाता है क्यू नेट अपॉन ई नोट, जो कि गॉस प्रमेय से है, जहाँ पर क्यू नेट जो है कुल आवेश है, अतः सरफेस जो है एस वन के लिए क्यू नेट जो है थीटा हो गया, और फ्लक्स जब निकालेंगे तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन ई नोट, जो इक्वेशन नंबर एक बनेगी। इसी तरह इक्वेशन नंबर ई टू जो है वो बन जाएगी, यही दोनों इक्वेशन देखोगे तो सेम रहेगी, जब दोनों को अपॉन में करोगे तो ये आ जाएगा, कट जाएंगे दोनों तो वन अपॉन वन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कहता विद्युत फ्लक्स का अनुपात जो है 1:1 होगा। आगे बढ़ते हैं दसवें क्वेश्चन पे। दसवें क्वेश्चन में पूछा गया ए डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट एस आई यूनिट यूजिंग गॉस लॉ प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड इफ़ द सीट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसका जो सोल्यूशन हम देखते हैं नीचे की तरफ। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मल टू दैम। ठीक है, और इसका जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं फाइव इक्वल्स टू जो है आपका ई इंटू डी एस होता है, और इसका एस आई यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम्ब होता है, ठीक है। और इसमें बी पोर्शन पूछा गया गॉस थ्योरम को जो हम प्रूव करेंगे, तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है, ये डायग्राम आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा भी डायग्राम बना सकते हैं आप चाहे तो, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल डायग्राम इसको बना लेंगे और याद रखने में भी आसानी होगा। उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, डेंसिटी जो है सिग्मा कंसिडर कर लेते हैं, उसके बाद में अप्लाई कर लेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ को अप्लाई करने के बाद सीधा सीधा सिंपल सिंपल ई की वैल्यू निकल जाएगी सिग्मा अपॉन टू ई नॉट, जो कि हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस ऑफ द सीट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया जो बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज सीट के लिए द फील्ड इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सीट, ठीक है। और फोर नेगेटिव चार्ज द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ सीट, ठीक है। एक तब तो ये जो है अवे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जो सीट होगी उसके उससे तो दूर होगा, ठीक है, और जो नेगेटिव सीट होगी उसके करीब होगा या उसकी तरफ होगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की कुल संख्याओं को विद्युत अभिवाह या विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये रहा जो कि आपने देखा अभी अभी। और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब है। और गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/E0 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये डायग्राम बना देंगे जो अभी अभी ऊपर बताया है, फिर नीचे लिख देंगे, माना कि आवेशित धनत्व की एक समान रूप से आवेशित अनंत सीट का धनत्व जो है सिग्मा है, ठीक है। उसी एक गाउसी सतह पर विचार करते जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एक गाउसी सतह पर विचार करते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जो सिलेंडर के रूप में है। यहाँ पर थोड़ा सा ये है लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस प्रमेय लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये वाली चीज़ जो है ई बराबर सिग्मा अपॉन टू ई नोट प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऊपर अभी अभी आपको इंग्लिश मीडियम के लिए बताया। विद्युत क्षेत्र जो है सीट से दूरी पर निर्भर नहीं करती। और सी है सकारात्मक चार्ज सीट के लिए फील्ड को सीट से दूर निर्देशित किया जाता है, और ऋणात्मक रूप से आवेशित सीट के लिए क्षेत्र को समतल सीट की ओर निर्देशित किया जाता है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसके आगे जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं आपके, उसका प्रिंट मेरे पास साफ नहीं था तो हमने उसका सॉल्यूशन नहीं बनाया है। अब एक बार जो वीडियो बना देते हैं उसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम नहीं बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, और दूसरे बोर्ड्स के भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनको भी देना है, वो रोजाना मैसेज करते हैं, रोजाना कॉल करते हैं, तो उनको भी हमें इसका आंसर जो है उसके सब्जेक्ट के आंसर प्रोवाइड करने हैं। तो अगर आप जब भी क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो सोच समझ के साफ भेजिए, तो ही उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। इस तरह से मैंने पूरा सोल्यूशन दिया, जो जो क्वेश्चंस मेरे को विजिबल थे, जो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहे थे, पढ़ने में आ रहे थे, उनके सोल्यूशंस बनाए मैंने। अभी आपका 11वां नंबर और 12वां नंबर जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही डल था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या भेजा है स्टूडेंट ने, और काफ़ी रिक्वेस्ट करता था कि सर जितना बनता है उतना बना दो। तो मैंने उस स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे और काफ़ी लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे थे, उनके कमेंट के थ्रू इसको बना दिया। आप अपना क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड द्वारा छपा हुआ हो, प्रिंटेड हो, उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। आपका हिंदी कोर का बना दिया, इंग्लिश कोर का आपका सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन बना दिया गया है, जो मासिक टेस्ट का है उसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो लिंक है उसमें देख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चन नंबर 11-12 अब दोबारा सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, अपनी तरफ से उसको सॉल्व कर लेना। एक बार जो वीडियो बना दी जाती है उसमें से फिर एक आधा कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है या फिर वो आपने पेपर साफ नहीं भेजा है तो उसको हम दोबारा नहीं बनाते। एक वीडियो केवल दो क्वेश्चन के लिए, एक वीडियो बनाने के लिए 3-3 घंटे का मेहनत करना पड़ता है, उतना समय हमारे पास नहीं है। तो आशा करूंगा इन क्वेश्चनों से आप काम चला लेंगे, और आगे के दो क्वेश्चन जो बचे हुए थे जिसका प्रिंट मेरे पास साफ नहीं आया था उनको आप कंप्लीट अपने तरफ से कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।